नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दली न्यूज और मैं हूं आपके साथ रुकमा खोबरे। और रुक करते खास खबरों की ओर। जनसंघ के समय से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता खुद न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और 7 महीने तक भटकने के बाद भी जब न्याय नहीं मिला तो उन्हें बाइक से 400 से अधिक किलोमीटर की यात्रा तय करने को मजबूर होना पड़ा। प्रदेश के मुखिया के समक्ष अपनी मांग के लिए जिले से रवाना हुए पीड़ित भाजपा कार्यकर्ता राकेश पिता मदन लाल जोशी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वह नीमच जिले के मनासा तहसील के ग्राम आतरी बुजुर्ग का निवासी है और उनकी 20 वर्षीय भतीजी 23 जुलाई 2021 को घर से कुछ सामान लेने निकली थी और वापस नहीं लौटी, जिसकी गुमशुदगी परिजनों द्वारा 24 जुलाई को मनासा थाने पर दर्ज कराई गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस द्वारा जांच में पाया गया कि उक्त गुमशुदा बालिका द्वारा किसी युवक से फोन पर बात की जाती थी जो मंदसौर जिले के सीतामऊ का रहने वाला था। इसके साथ ही पुलिस ने नीमच जिले के सावन गांव से भी कुछ युवकों को मामले में पूछताछ के लिए उठाया था, जिसमें युवकों ने बालिका के अपहरण की बात स्वीकार की। हालांकि पुलिस द्वारा दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। का नाम नेहा जोशी है। तो वो आज दूसरे दिन हमें 24 तारीख के दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट मनासा थाने में की। उसके बाद कॉल डिटेल के आधार पे जो 4 लड़के सावन के पकड़े गए थे, उन्होंने 28 जनवरी को ये कबूला था कि हम वैन में ले गए थे और रात को 11 बजे बाजा माता छोड़ दी। उसके बाद उसको उस समय से उसका फ़ोन भी बंद है, तो अभी तक ये कोई पता नहीं चला है। और हमने करीब करीब SP साहब के यहाँ और सभी जगह कलेक्टर साहब के यहाँ और भोपाल तक हमने आवेदन देखे ने बात की है, मतलब गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। तो उसके बाद 9 मार्च के दिन इनके खिलाफ जो मुकदमा दायर हुआ है अपहरण का, तो 365 के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ है। तो उसके बाद इन आरोपियों को फिर 1 महीने बाद एक आरोपी को पकड़ा, 1 महीने बाद एक आरोपी को पकड़ा। तो यूँ करके ने इन्हों को अभी तक मतलब कोई पता नहीं चला है कि मतलब लड़की कहाँ है, जिंदा है या इन्हों को भेज दी है या लव जिहाद जैसा मामला है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए दैनिक दली न्यूज के साथ। नमस्कार।